हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 9 भोली ऑफ योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? Here the story is about a girl named Bholi, and Bholi is neglected at her family members used to neglect her, but her teacher used to take special care of her. And we have to see in the chapter whether Bholi was measured up to the expectation of her teacher. Bholi जो है कि अपने घर में neglected है, उसके परिवार वाले उसको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसकी teacher उसको special attention देती हैं। और ये हमें देखना है चैप्टर पढ़ के कि Bholi अपने teacher के expectation पे आशाओं पे खरी उतरती हैं कि नहीं। Bholi का असली नाम है सुलेखा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर Bholi द सिंपलटन। उसका नाम जो है सुलेखा है, पर जो है चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही उसे सब लोग Bholi कह के बुलाते हैं। सिंपलटन का मतलब होता है जिसे आसानी से बेवकूफ़ बना लिया जाए, मतलब इतना सीधा साधा जिसे आसानी से बेवकूफ़ बना लिया जाए। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। रामलाल नाम है इनके पिताजी का, वो नंबरदार हैं। ये सरकारी अहदा होता है, जैसे लेखपाल होते हैं वैसे ही गांव में नंबरदार होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है पूरा कैलकुलेशन रखने की गांव के लोगों को, खेत मतलब कितने खेत हैं कितने घर हैं, ये नंबरदार की ड्यूटी होती है। When she was 10 month old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो बिस्तर से गिर गई थी, और जब गिरी तो वो सर के बल गिरी, बहुत तेज गिरी, और जिस की वजह से उसके ब्रेन पर उसके दिमाग पर असर हुआ और कुछ हिस्सा उसके दिमाग का जो है डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और यही कारण है कि उसके दिमाग पर चोट लगने के कारण वो उतना नहीं समझ पाती थी जितना एक नॉर्मल बच्चा समझता है, तो वो उसको लोग Bholi बुलाने लगे और उस वो सिंपलटन में गिनी जाने लगी, कि जो कि कह सकते हैं कि पागल लोग उसे कहने लगे कि ये मतलब अर्धविक्षिप्त है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब पैदा हुई थी Bholi तो वो बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको अब देखिए ये विधि का विधानी है, एक तो वो गिर पड़ी 10वें महीने में, और फिर 2 साल के होते उससे चिकन पॉक्स जो चेचक होता है वो चेचक हो गया और इतना भयानक हुआ कि ओनली द आइज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। पूरी बॉडी उसकी जो है बेकार हो गई, सिर्फ आँख बची थी और पूरी बॉडी पे काले काले पोक मार्क्स मतलब चिकन पॉक्स के मार्क्स दिखते थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब ये सुलेखा जो है वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाई, एंड देन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाने लगी, हकला हकला कर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ऑब्वियसली बात है, आज के ज़माने में कोई तकलीफ़ को नहीं समझता है, तो ये बच्ची जो है स्टैमर करने लगी। एक तो दिमाग पे चोट था, फिर उसके चेहरे का और बॉडी का ईश्वर के प्रकोप से मतलब पूरे दाग पड़ गए थे,
तो ये घबराई भी रहती थी हर समय, तो घबराहट में हमेशा हकला कर बोलती थी और लोग जो बच्चे थे वो उसका मजाक बनाते थे, कभी कभी उसी की तरह हकला कर बोलते भी थे, मिमिक करते थे। As a result, she talked very little. और इसी कारणवश वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 son and 4 daughters. 3 लड़के और 4 लड़कियाँ। And the youngest of them was भोली। सबसे जो छोटी थी वो भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ये जो घर था वो बहुत ही प्रॉस्परस समृद्ध किसान का घर था और यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारे ही जो बच्चे थे, 7 बच्चों में से सिर्फ भोली को छोड़कर 6 बच्चे काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो लड़के थे 3 लड़कों को शहर भेज दिया गया था जिससे कि वो शहर जाकर क्या करें, पढ़ाई कर सकें, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जो राधा थी इनकी बड़ी बेटी, उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल्ड। मंगला की भी शादी तय हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, जब मंगला की शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड डॉटर चंपा। फिर वो रामलाल चंपा के बारे में सोचने लगे क्योंकि 4 बेटियाँ थीं। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और ये कठिन काम नहीं था कि उनके लिए दूल्हा ढूंढना, क्योंकि वो लोग देखने में भी सुंदर थी और हष्ट पुष्ट थी, तो इसलिए कोई मतलब दूल्हा ढूंढना उनके लिए कठिन काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। She had neither good looks nor intelligent. रामलाल हमेशा भोली के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि भोली ना ही देखने में सुंदर थी और ना ही उसके पास उतनी बुद्धि थी। भोली was 7 years old when मंगला was married. जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की, उसकी बहन, दूसरे नंबर की बहन की शादी हो गई। The same year a primary school for girls was opened in their village. उसी साल जो है इनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब खुद आए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए। ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तहसीलदार ने कहा कि जैसा कि आप रामलाल जो हैं गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, हमने जैसे आपको बताया था कि वो पूरे खेत खलिहान का हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और प्राइमरी स्कूल खुला है, तो आप क्या करें, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजें। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो रामलाल जो हैं वो अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं कि क्या किया जाए, तहसीलदार ने ऐसा कहा है, तो वो ज़ोर से चिल्लाई और कहती हैं, क्या पागल हैं आप, और लड़कियां अगर पढ़ने जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे तहसीलदार। लेकिन रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार का ऑर्डर ना फॉलो करें। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल। एट लास्ट उसकी पत्नी ने उनको समझाया, कहते हैं कि ऐसा करो, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे भोली की माँ कितनी रूड है उसके प्रति, एक माँ होने के बावजूद वो इस तरीके की बातें करती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी निग्लेक्टेड है।
तो वो कहती है कि एक तो ये शक्ल से भी अच्छी नहीं है और इसके पास दिमाग भी नहीं है, इसी को स्कूल भेज दो, वहाँ पे ये टीचर की जिम्मेदारी हो जाएगी, वो ही ध्यान देगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड, शी डिड नॉट नो वॉट द स्कूल वॉज लाइक। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब भोली के पिताजी दूसरे दिन उठे और भोली का हाथ पकड़ कर कहे कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन भोली कुछ जानती नहीं थी, वो बहुत इनोसेंट है, और उसे याद आया कि ऐसे ही जो गाय है, घर की गाय थी लक्ष्मी, उसको भी पकड़ के ये लोग ले गए थे और उसे बेच दिया था। तो उसे यही समझ में आता है कि हमें मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। तो वो बोलती है ना ना ना, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। फिर उसने अपना हाथ, नो नो कहते हुए, ना ना कहते हुए, अपना हाथ अपने पिताजी के पकड़ से छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल गुस्से से चिल्लाते हैं कि तुम पागल हो क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टूडे और एल्स दैट वॉट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वेन दे सी हर। फिर उनके पिताजी को कुछ लगता है तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि इसको अच्छे कपड़े पहना दो, इसको सही ढंग से तैयार कर दो, वरना स्कूल की टीचर्स और स्कूल में जो लड़कियां होंगी वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी इसको देखकर। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। ये देखिए एक और क्रिटिसिज्म है कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आए थे। ओल्ड ड्रेसेस फॉर हर सिस्टर्स व पास्ड ऑन टू हर, उसकी सिस्टर्स के जो कपड़े हुआ करते थे वही उसको मिल जाया करते थे और वही वह पहन लिया करती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े फटे हैं उसको सिल देना और उनको धुल देना कोई इसकी उस पर ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंग आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो उसकी बहन चंपा का की एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन ड्रेस उसको मिली जो अब चंपा को नहीं होती थी, तो वो उसे पहनाई गई। शी वॉज बेद्ड, उसे नहलाया गया, उसका उसे तेल लगाया गया, उसकी कंघी की गई। शी वॉज बेद एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके तेल लगा के उसकी कंघी की गई जो उखड़ खाबड़ उसके बाल थे। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। जब इस तरीके से उसे अच्छे से तैयार कर दिया गया तब उसे विश्वास हुआ कि हाँ मुझे कहीं अच्छी जगह पे ले जा रहे हैं। When they reached the school, the children were already in their classroom. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. जब वहाँ वो स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया, मतलब दे दिया, हाथ पकड़ा दिया हेडमिस्ट्रेस को बोली का, और लेफ्ट अलोन अकेली रह गई। कौन? द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। अब ये बच्ची जो भोली है वो अकेली रह गई और वो डर के मारे, मतलब उसकी आंखों में डर ही डर था और इधर उधर देख रही थी कि क्या है। देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे दिखाई दिए उसे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट, और हर कमरे में उसको अपने जैसे ही लड़कियां मैट पे, चटाई पर बैठे हुए दिखाई दी और क्या कर रही थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट। लड़कियां या तो बुक पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पे जो होती है काले रंग की होती है उस पे चौक से लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम।
भोली की जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो भोली को ले जाती हैं और एक क्लासरूम में कहती हैं जाके तुम कॉर्नर में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट हियर। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। भोली को एग्जैक्टली पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, और वो लेकिन बहुत खुश थी कि वो ऐसी जगह पे आई है जहाँ पर उसी के एज ग्रुप की लड़कियाँ हैं, और उसे उम्मीद हो जाती है कि इतनी सारी लड़कियों में से कोई तो उसकी दोस्त बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर हैं वो बच्चों से कुछ बोल रही थी, लड़कियों से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसका पहली बार वो घर से बाहर निकली थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों के पे जो लगी हुई पिक्चर्स हैं उनको देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उसमें जो कलर्स हैं रंग हैं उसको बहुत अच्छे लुभाते हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो घोड़े को देखती है वो उसी ब्राउन कलर में होते हैं बिल्कुल जैसे तहसीलदार घोड़े पे बैठ के आए थे उनके विलेज को विजिट करने, उनके गांव को देखने, तो वो उसको देख के बहुत खुश होती है। फिर द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, फिर वो यहाँ देखिए वो कंपैरिजन कर रही है, इसका मतलब उसका ब्रेन इतना भी कम नहीं है। वो कह रही है कि जो गोट है वो इतनी काली है जो जैसे मेरे नेबरहुड में पड़ोसी के पास बकरी है वैसी ही काली है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरेट वैसा ही ग्रीन है जैसा कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड आम की बगिया में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ है जो गाय है वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी जैसी है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। अब आप देखिए यहाँ पे भोली को उसके घर वाले बिल्कुल बेवकूफ़ मान रहे हैं, लेकिन जब भोली इन पिक्चर्स को देखती है तो कितना अच्छा कंपेरिजन करती है बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब उसके पास दिमाग है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से वो विकसित नहीं हो पाया है। और ये सब वो जब देख ही रही थी तब तक उसकी टीचर, उसने देखा कि उसकी टीचर उसके बहुत करीब आके खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर ने पूछा, छोटी बच्ची आपका नाम बताओ। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाई, बोलकर वो चुप हो गई। देन शी बिगैन टू क्राई, और फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड From her eyes in his helpless flood, in a helpless flood, वो जो आंसू हैं एकदम ऐसे बाढ़ की तरह उसके आंखों से गिरने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her, और वो रो रो कर सर नीचे कर लिया, और सर नीचे करके वो रोती रही और सर ऊपर नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि सारे क्लास की लड़कियां उसके ऊपर अभी भी हंस रही होंगी। When the school bell rang, all the girls screwed out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head is still lowered. She kept on sobbing. जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सारी लड़कियाँ दौड़ती हुई बहुत जल्दी से मतलब बहुत क्विकली वेरी क्विकली वो दे केम आउट ऑफ द क्लास, बहुत जल्दी से वो अपने घर की तरफ भागी। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सब अपने अपने घर की तरफ भागे, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ से उठे, और वो वहीं बैठकर सर नीचे करके सॉब कर रही थी, सुबुक रही थी, सुसक सुसक कर रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट
इट टच हर हार्ट। इतने प्यार से टीचर ने भोली बोला कि भोली ने कभी भी अपने ज़िंदगी में इतने प्यार से ये नाम नहीं सुना था, किसी ने भी उसे इतने प्यार से कभी भी नहीं बुलाया था। और वो शब्द उसके दिल को छू गया, उसका नाम इतने प्यार से बुलाया जाना उसके दिल को छू गया। गेट अप, सेड द टीचर, इट वॉज़ नॉट अ कमांड। टीचर ने गेट अप कहा, इसका मतलब बिल्कुल भी कमांड नहीं था, वो ऑर्डर नहीं दे रही थी, बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन, बस एक सजेशन दिया कि उठ के मेरे पास आओ। भोली गॉट अप और भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, और फिर उन्होंने पूछा कि अब तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसका पूरा जो बॉडी था, उसका जो बदन था, पूरा पसीने से भर गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसने सोचा कि अब फिर मेरी बेइज्जती होगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। इतने प्यार से टीचर ने बुलाया था तो भोली ने सोचा चलो इस औरत के लिए ही एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कितनी प्यारी आवाज़ है इनकी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी शायद। फिर भोली बोलने की कोशिश करती है, भ भ भो भो, शी बिगैन टू स्टैमर, और ये ऐसे बोलते हुए वो हकलाने लगती है। और टीचर क्या कहते, वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, कहते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है, और बोलो पूरा नाम बोलो, अब बोलने की कोशिश करो। भ भ भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट। और आखिरकार भो भ भो भोली पूरा उसने बोल दिया, भोली शब्द उसने पूरा बोला, और ये बोलकर उसे इतना रिलैक्स फील हुआ जैसे कि उसने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली हो, कोई मुकाम हासिल कर लिया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने क्या कहा, उसको पैट करते हुए, पीठ थपथपाते हुए कहा कि अपने डर को दूर हटा दो भोली, और तुम सभी की तरह एक दिन बोल पाओगी बिना हकलाए। भोली looked up as if to ask really, भोली ने उनकी तरफ आशा भरी आंखों से देखा क्या, और बिना बोले ऐसे उसकी आंखें चमक रही थी कि क्या मैं सचमुच बोल पाऊंगी। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? और टीचर ने समझ लिया कि भोली क्या कहना चाहती थी, तो टीचर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बोल सकोगी सभी की तरह, ये बहुत आसान है, बस तुम्हें रोज़ स्कूल आना पड़ेगा। भोली नॉडेड, भोली ने सर हिलाया, लेकिन टीचर ने कहा कि सर हिलाने से नहीं चलेगा। नो, से इट अलाउड, तुम ज़ोर से बोलो कि हाँ तुम आओगी। ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टॉनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो बोल कैसे ले रही थी, वो इतने आसानी से बोल रही थी टीचर से, जो कि वो कभी किसी से नहीं बोल पाती थी। डोंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। टीचर ने कहा देखो मैंने बताया था ना कि तुम बोल सकती हो, और देखो तुम बोल रही हो, अब ये किताब ले लो, दिस बुक। नाउ द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, उसमें बहुत सारे जानवरों की तस्वीरें थीं, और उसमें काउ भी थी जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लगती थी, और जो है पिक्चर्स के नीचे बड़े बड़े लेटर्स में उनके नाम भी लिखे हुए थे। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर ने कहा एक महीने में तुम ये बुक पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक एंड देन अ स्टिल बिगर वन,
कहते हैं उसके बाद मैं इससे बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद इससे बड़ी बुक मैं तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। कहती हैं कि कुछ ही समय में तुम इतनी पढ़ी लिखी हो जाओगी कि गांव में तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी हंस नहीं सकेगा, तुम्हारी ऐसी पहचान बन जाएगी। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट, आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए जरा सा भी हकलाओगी नहीं और बिना हकलाए बोलोगी। अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में आया। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टमोरो मॉर्निंग, अब तुम घर जाओ और कल सुबह सुबह स्कूल आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इन टू बिग रेड फ्लावर। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। भोली को इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना अच्छा फील कर रही थी, उसे लग रहा था कि मंदिर की सारी घंटियां बज रही हैं। जो सामने पेड़ था उस पे पूरे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, तो उसे लग रहा था कि एक बड़ा सा फूल खिल गया है। मतलब बहुत लाइट वेट, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। Thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton grinding mill. The mail train began to stop at their railway station. ये जो छोटा सा गांव था अब क्या बन गया, small town बन गया था, और जो primary school था वो high school हो गया था। एक cinema hall भी tin shed के नीचे चलता था। cotton factory भी लग गई थी, जो कॉटन की खेती करते हैं उसको धुनाई करते हैं, वो मिल भी लग गई थी। और जो ट्रेन है, मेल ट्रेन है, वो इस स्टेशन पे भी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। एक रात रामलाल जो हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या मैं दिसंबर का जो प्रपोजल आया है उसे एक्सेप्ट कर लूँ। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुरंत एक्सेप्ट कर लो। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली बहुत लकी होगी जो ऐसा उसको दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी। और माँ ने कहा कि होली बहुत लकी होगी जो उसे ऐसा दूल्हा मिलेगा, उसके बड़ी सी दुकान है, घर है, और उसके बैंक में बहुत सारा पैसा भी है, और सबसे अच्छी बात कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट इज़ नॉट सो यंग, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो फिर पिता कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, वो मेरी उम्र का है, और वो लिम्प भी करता है, भचक कर चलता है, लंगड़ा कर चलता है, और उसके जो पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her poke marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life.
माँ इतनी रूड है कि देखिए कैसे बोल रही है, कह रही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर उम्र में वो 45 से 50 साल के हों, और आदमियों की कोई मतलब 45 साल और 50 साल कोई उम्र नहीं होती आदमियों के लिए। हम लोग लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसे पता नहीं है कि भोली के चेहरे पे उसके बॉडी पे काले धब्बों के निशान हैं और उसके पास कम दिमाग है। और अगर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो भोली ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। येस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से, रामलाल कहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि भोली क्या कहती है। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। तो उसकी माँ का जो रवैया है बहुत ही बुरा है, पिता से भी बुरा है। वो कहती है कि उसके दिमाग, वो दिमाग कहाँ है, और वो तो गूंगी गाय की तरह है बिल्कुल, वो क्या बोलेगी। यू मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, धीरे से रामलाल ने कहा शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक on her cot listening to her parents whispered conversation। दूसरे कॉर्नर में, कोर्टयार्ड में, बारंदे में भोली लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी। बिसंभर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, अ ब्रास बैंड प्लेइंग a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। बिसंबर नाथ जो हैं वो बहुत बड़े साहूकार थे, मतलब ग्रॉसर थे, दुकानदार थे, और वो जो है जब शादी करने आए तो अपने बहुत सारे दोस्तों और रिलेटिव्स को लेकर आए। ब्रास बैंड बज रहा था और उस पर एक मतलब बहुत अच्छी सी इंडियन फिल्म की ट्यून चल रही थी, और बाराती आगे आगे, और ब्राइड ग्रूम सजे धजे घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल बहुत खुश हुआ कि मेरी चौथी बेटी की, मतलब उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे चौथी बेटी की शादी इस तरीके से ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ होगी। जो भोली की बड़ी बहनें थीं वो लोग बहुत मतलब जेलस फील कर रही थी कि इतनी बेवकूफ़ सी और इतनी भद्दी सी देखने में लड़की, और उसका लक देखो कितना अच्छा है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो पवित्र समय आया तब पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लाया जाए। होली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। भोली जो है लाल कपड़े, सिल्कन जो लाल जोड़ा है उसमें सजी हुई थी, और उसको लाकर फायर प्लेस के पास, पवित्र आग के पास खड़ा कर दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिसंबर नाथ को उसके एक फ्रेंड ने कहा कि तुम माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का मतलब गेंदे का फूल होता है, तो मैरीगोल्ड से बना हुआ माला उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। कुछ औरतें नालायक होती हैं, बहुत दुष्ट होती हैं, तो बदमाशी से एक औरत ने क्या किया, धीरे से भोली का जो घूंघट है उसे खिसका दिया। बिसंबर टुक अ क्विक ग्लांस, द गार्लैंड रिमेन poised in his hand, the bride slowly pulled down the veil over her face। फिर बिसंबर नाथ ने जो है पूरा चेहरा देख लिया और माला उसके हाथ में ही रह गई, और जो ब्राइड थी, भोली थी, उसने धीरे से अपना घूंघट फिर से अपने चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिसंबर टू हर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज़ पोक मार्क ऑन हर फेस, कहते हैं उसके चेहरे पर काले काले निशान हैं, धब्बे हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर,
तो दोस्त ने कहा, अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 rupees। कहते हैं तो क्या हुआ, अगर मुझसे शादी करनी है तो इनके पिताजी को मुझे 5,000 rupees देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हर टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 rupees। रामलाल ने अपनी पगड़ी बिसम्बर नाथ के पैर पर रख दी और कहते हैं कि मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करिए, इतना दबाव मत डालिए, 2,000 rupees ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो बिसम्बर नाथ कहते हैं नहीं नहीं, हम 5,000 ही लेंगे और या तो फिर हम वापस चले जाएंगे, आप अपनी बेटी अपने पास रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक। कहते हैं कि थोड़ा सा कंसिडर तो करिए, थोड़ा हमारे ऊपर दया कीजिए। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, और हम क्या मुँह दिखाएंगे अगर आप चले गए, गाँव वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। देन आउट विथ 5,000। कहते हैं अच्छा फिर जाओ, 5,000 rupees लेके आओ। Tears stammering down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes. फिर रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगा और रामलाल घर के अंदर जाते हैं और सेफ खोल के नोट जितने रुपए होते हैं काउंट करते हैं एंड प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट। सो फिर विसंबर नाथ के पैरों पर वो रुपए रख देते हैं। On December's greed face appeared and a triumphant smile. फिर बिसम्बर नाथ जो है बहुत ही लालची आदमी है, उसके चेहरे पे विजय की मतलब वो जीत गया ऐसी स्माइल आ जाती है। ही हैड ग्रैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक ग्रैम्बलिंग जैसे जुआ खेलते हैं वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, कहते हैं माला लाओ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband. In her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. तो जो है इस बार फिर से एक बार जो है घूंघट हटा और घूंघट हटने के बाद जो है जो ब्राइड है भोली है वो नीचे नहीं देख रही थी, वो नीचे की तरफ नहीं देख रही थी, आई टू आई कांटेक्ट करके वो देख रही थी स्ट्रेट किसके आंखों में, अपने हस्बैंड होने वाले हस्बैंड के आंखों में। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही नफ़रत थी, एक कंटेंटमेंट था। वो बहुत सोच समझ कर जैसे बोल मतलब एक टाइम लेकर उसने बोला, क्या बोला आइए देखते हैं। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। बिसम्बर नाथ ने गार्लैंड जो माला थी उसको उठाया और दुल्हन को पहनाने चले, तब तक भोली का हाथ उठा और एकदम आग की तरह लाइटनिंग की तरह जो आकाश में बिजली चमकती है उसकी तरह हाथ उठा और माला जो है जाकर आग में गिर गई और वो खुद खड़ी हो गई और उसने घूंघट उतार दिया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसने पिताजी शब्द बोला और उसके माता पिता भाई बहन रिलेशन नेबर सब एकदम भौचक्के से रह गए कि भोली कैसे बोल रही है बिना हकलाए। पिताजी टेक बैक योर मनी, कहती है पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से भोली बोल रही है और सब लोग कैसे उसे देख रहे हैं। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो बिल्कुल जैसे उसको मतलब बिजली
छू गई हो. द गेस्ट बिगैन टू विस्पर सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस. अब आदत होती है लोगों की, अगर ना बोल पाओ तो भी परेशान और बोल पाओ तो भी परेशान. तो यहाँ पर कहने लगे कितनी बेशरम लड़की है और कितनी भद्दी दिखती है और कितनी बेशरम है. बोली यू आर क्रेजी शाउटेड रामलाल. यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली. हैव सम रिगार्ड्स ऑफ आवर इज्जत. रामलाल जोर से चिल्लाए बोली तुम क्या पागल हो गई हो, तुम क्या हमें शर्मिंदा करोगी, हमारी इज्जत के बारे में भी सोचो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली. भोली ने कहा हाँ आपकी इज्जत के लिए ही कर रही हूँ. आई एम विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत के लिए ही ये शादी करने जा रही थी. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. मुझे ऐसा लालची और इनकम्फर्टेबल मीन्स जो लायक ही नहीं है, किसी के भी लायक नहीं है, ये मेरे लायक है किसी के भी लायक नहीं है. आई वोंट मैं बिल्कुल भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी. वट अ शेमलेस गर्ल. वी ऑल थाट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ. औरतें जैसे बात करती हैं तो उसमें से कोई औरत बोली कि कितनी बदतमीज़ लड़की है और हम लोग सोचते थे कि ये बिल्कुल गाय है. भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वोमेन. भोली घूमती है, बहुत तेज़ी से घूमती है और फिर कहती है यस आंटी यू आर राइट. बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी, आप चाची आप बिल्कुल सही कह रही हैं. यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइविंग काउ. मुझे किसी भी तरीके से हाँकों मैं सीधी साधी गाय हूँ. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर. और इसीलिए आप लोग मुझे इस बिना हृदय के इंसान जो कि लालची है, जो सिर्फ पैसे से प्यार करता है, ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी करवा देना चाहती थी. बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. हाँ वो ही जो एकदम सीधी साधी गाय थी, जो स्टैमर करती थी, बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, बेवकूफ़ थी, वो बोल रही है. डू यू वॉन्ट टू हियर मोर. क्या और आप सुनना चाहती हैं मुझसे. बिसम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी. और जो बिसम्बर नाथ थे वो अपने पार्टी के साथ जो भी आए थे उनके साथ वो वापस जाने लगे. द कन्फ्यूज बैंड्स मैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग. और जो बैंडमैन थे उन्होंने सोचा कि ये आखिरी ये है सेरेमनी का, तो वो लोग जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है उसको बजाने लगे. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. रामलाल बिल्कुल जैसे जड़ होता है वैसे ही ज़मीन से मतलब एक जगह खड़े के खड़े ही रह गए. हिज हेड बोर्ड लोड विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम. वो उनका सर झुका रह गया शर्म के मारे, दुख के मारे एकदम सर झुक गया. द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डेड डाउन. जो आग जली थी शादी के फेरे लेने के लिए वो भी धीरे धीरे बुझ गई. एवरी वन गॉन, सभी चले गए थे. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विथ यू. कहते हैं कि अब क्या होगा तुम्हारा, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा और अब हम तुम्हारा क्या करेंगे. पिताजी ऐसा बोलते हैं. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी. सुलेखा ने, अब उसका नाम भोली नहीं रखा गया, उसका रियल नेम दिया गया है, सुलेखा ने बहुत शांति और बहुत ही दृढ़ता से कहा डोंट वरी पिताजी. बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी. इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूंगी. आई विल सर्व यू एंड मदर. मैं आपकी सेवा करूंगी जब आप बूढ़े हो जाओगे. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. इजंट दैट राइट मैम. फिर वो कहती है कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने पढ़ना लिखना सीखा है. और अपनी टीचर वहाँ जो टीचर ने उसे पढ़ाया होता है उनसे हामी भरवाती है, कहती है कि क्यों मैम मैं सही कह रही हूँ कि नहीं.
द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. जो टीचर थी वो एक कोने में खड़ी होकर पूरा ड्रामा देख रही थी. पूरा पूरा शादी की शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने पूरा देखा. येस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड. एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स when contemplating the completion of her masterpiece. और बोलने के बाद टीचर की आँखों में वो चमक थी, वो स्माइल थी, वो प्यार था और डीप सेटिस्फेक्शन था. जैसे कि एक पेंटर क्या करता है, पेंट करता है और अपना मास्टरपीस बनाता है, जो बेस्ट अपनी लाइफ की जो सबसे बेस्ट पेंटिंग होती है वो बनाता है. तो ऐसे ही इस टीचर ने भी अपने बेस्ट स्टूडेंट को तैयार किया था और वो स्टूडेंट सुलेखा थी, जिसका नाम भोली भी था. तो आज भोली भोली नहीं सुलेखा के नाम से जानी जाने लगी. और सुलेखा ने कहा कि मैं अब चाहे मेरी शादी हो चाहे ना हो, मैं आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी. मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी गई है, जो कि मैं हकलाती थी, मैं डरती थी. आज मैं इस काबिल हूं कि मैं अच्छे से बोल सकती हूं, बात कर सकती हूं, लोगों को समझा सकती हूं. मुझे किसी इंसान की, ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो लालची लोभी हो और मेरा शोषण जिंदगी भर करता रहे. तो इससे अच्छा मैं कुंवारी रहूं और मैं समाज सेवा करूं. तो ये कहानी जो है भोली की थी और द ऑथर इज़ के ए अब्बास. वेरी नाइस स्टोरी ही हैज़ रिटन, वेरी मीनिंगफुल फॉर ईच एंड एवरी गर्ल हु इज़ देयर. Education is very essential for everyone, not only for girls, for boys also. But obviously, from ancient time, girls have not got so much opportunity. So nowadays, girls are proving really very well themselves. So and that's the story. I hope you have understood. If you have any query, if you have any problem, you can write down in the comment box and I am always there to solve your problem. So see you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.